ओके तो आज से एक साल पहले टू बी स्पेसिफिक सितंबर 9 2022 को एक मूवी रिलीज हुई थी इन बॉलीवुड जिसके रिगार्डिंग काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, जैसे बहुत ही नई बात है। बट इस बार इस मूवी का नाम पठान लाल सिंह चड्ढा नहीं था बल्कि था ब्रह्मास्त्र, जो कि ना सिर्फ थिएटर के अंदर रिलीज हुई बल्कि एक हिट का टाइटल भी ले गई। वो बात अलग है कि लोगों ने इसके अंदर कुछ कुछ कमियां भी निकाली थी जो कि एक्चुअली में काफी ज्यादा कंसर्न रेज कर देती है इस फिल्म की क्वालिटी को लेकर, क्योंकि जहां पे इसका VFX टॉप नॉच था वहीं पे इसके डायलॉग टोटली ही ट्रैश थे। पर फिर भी लोगों की इससे काफी ज्यादा उम्मीद जुड़ी हुई थी एंड एंड के अंदर इन्होंने इस चीज को भी टीज कर दिया था कि इसका पार्ट 2 और 3 दोनों देखने को मिलने वाले हैं। कट टू एक साल बाद यानी कि आज से एग्जैक्टली 2 दिन पहले इन्होंने ब्रह्मास्त्र 1 को सेलिब्रेट करते हुए हमें ब्रह्मास्त्र 2 के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट को दिखा दिया। एंड इतना ही नहीं, हमें ये भी बता दिया कि इसके सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट के ऊपर साइमल्टेनियसली काम चल रहा है इन द डेवलपमेंट, जो सुनने के बाद लोगों के बीच में एक अलग सी उमंग आ चुकी है एंड लोग काफी ज्यादा खुश है। बट हाँ, कंसर्न अभी भी वही है कि इसके डायलॉग्स को प्लीज बेहतर कर देना, बाकी VFX को लेकर हमें कभी भी कोई कमी रहती नहीं है। उसके अलावा मेरी तरफ से एक और कंसर्न है जो कि अगर वो लोग अपना लेते तो काफी ज्यादा अच्छी बात होगी कि स्टॉप रिपीटिंग व्हाट यू सेड। लाइक इस पूरी मूवी के अंदर 3 से 4 बार सिर्फ और सिर्फ यही बताया जाता है कि ब्रह्मास्त्र क्या है, अलग अलग लोग बताते हैं अलग अलग एग्जांपल के साथ में। तो उस मामले के अंदर ये मूवी काफी ज्यादा स्पून फीडिंग कर रही थी पार्ट 1 के अंदर, पार्ट 2 के अंदर प्लीज ऐसा मत करना। योर सिंसियरली मूवी वॉचर ऑफिशियल 2023। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसके अंदर की कुछ कुछ थ्योरीज की, आखिर कॉन्सेप्ट आर्ट देखने के बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस वाले कॉन्सेप्ट आर्ट की, तो इसके अंदर हमें अमृता देखने को मिली है, उसके नीचे देव है एंड इस सीन से मेरे को थोड़ा इंटरकनेक्टेड लग रही है ये वाली कॉन्सेप्ट आर्ट, जिसके अंदर देव किसी डीमन से फाइट कर रहा है एंड आई डोंट नो कि वो डीमन है या नहीं, बट हाँ देखने में कुछ तो बड़ा सा है। तो आई थिंक सो कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव के कॉन्सेप्ट आर्ट है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र पार्ट 3 जिसके अभी तक नाम तो अनाउंस नहीं हुआ है पर हाँ बनेगा तो जरूरी, उसका कॉन्सेप्ट आर्ट मेरे को ये वाला लग रहा है जिसके अंदर ये मोस्ट प्रोबेबली रणबीर कपूर है एंड ये देव है, और क्या पता दोनों को एक ही एक्टर प्ले कर रहे हो। अलग ये वाली मिस्ट्री तो अभी तक भी अनसॉल्वड है क्योंकि अमृता का तो हमें कंफर्म हो गया कि वो दीपिका पादुकोण है, बट देव को लेकर अभी भी स्पेकुलेशन चल ही रही है जिसमें कुछ लोगों की ये थ्योरी है कि वो एक्चुअली में रणबीर कपूर ही है जो कि डबल रोल प्ले करने वाले हैं। कुछ ने बैट लगाई है रणवीर सिंह पे एंड बहुत थोड़ों ने लगा लिया है आज की डेट में ऋतिक रोशन पे। खैर कोई भी हो, देखने में तो मजा आएगा ही। नारायण मुखर्जी से मेरा यही कंसर्न है कि भाई प्लीज डायलॉग एंड रिपीटेशन बंद कर देना। हालांकि मैं खुद की स्टेटमेंट को कॉन्ट्रेडिक्ट करके इस चीज को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, बट लेट्स नॉट गेट देयर। ये 2-3 मिनट की वीडियो है एंड उन लोगों की पूरी पूरी 3 घंटे की मूवी होती है। तो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड तुम्हारे ओपिनियंस के रिगार्डिंग कमेंट करके जरूर से जरूर बता देना एंड टिल देन गुड बाय, टाटा सी यू, बाय।